इसी बीच नैनीताल जनपद के हल्द्वानी में पुलिस को बनभूलपुरा दंगे के मामले में बड़ी सफलता हासिल हुई है। बता दें कि पुलिस ने बनभूलपुरा दंगे के मामले में मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक के बेटे अब्दुल मोईद को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी प्रहलाद मीणा ने बताया कि इस पूरे घटनाक्रम के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को पुलिस ने 24 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया था और अब उसके बेटे को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस इस मामले में नामजद सभी उपद्रवियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, साथ ही इन सभी पर संबंधित धारा में मुकदमा दर्ज भी कर लिया गया है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, बनभूलपुरा हिंसा में जितने भी नामजद अभियुक्त थे उनमें से फरार चल रहे जो अभियुक्त अब्दुल मोईद, उसकी आज हमारी टीम ने गिरफ्तारी की है और ये गिरफ्तारी होने के साथ इसमें नामजद जितने भी अभियुक्त थे उनकी सभी की गिरफ्तारियां हो चुकी है। ये जो अभियुक्त है इसको हमने दिल्ली से गिरफ्तार किया गया और ये जो शानदार कार्य है इसके लिए मेरी टीम को मेरी तरफ से 2,500 रुपये का और DIG कुमाऊँ की तरफ से इस टीम को 5,000 रुपये का इनाम दिया।